बबलू डब्लू पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। देखते हैं कि आज क्या होगा। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। क्या बबली ने मुझे चार पत्ती वाला घास दिया है, अब मैं लकी हूँ। हाँ? मैं
सुनो। क्या ये अच्छा नहीं है? अब मैं हमेशा के लिए लकी हूँ। हाँ जरूर। क्या? अच्छा तुम यहाँ मिल गए। बड़े क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी बुक हो गई है जिसका कवर पिंक है। मुझे खुशी होगी। एक गुलाबी किताब। गुलाबी मुझे तो कोई दिख नहीं रही। मुझे पता है छोटे लकी खास मेरी मदद करो। गुलाबी किताब कवर यहाँ हम चले। ये तो वो नहीं है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? बड़े क्या तुम्हें मिली? अभी नहीं। तुम कल तो ठीक थे, आज मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? क्या चल रहा है? आ रहा हूँ। बबली मेरा घास काम करने लगेगा तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रुको वापस आओ, तुम्हें बुक ढूंढने के लिए क्लोवर की जरूरत नहीं है। बड़े पकड़ो, अब हम खेलेंगे शूटिंग की गेम। बड़े मेरे साथ रहेगा और जो सबसे ज्यादा गोल करेगा वो जीतेगा। तो पहले मैं मारूंगा। तैयार हो? मैं काफी अच्छा हूँ। शुरू करो। तो ये रहा। ये काम नहीं कर रहा। बहुत अच्छे बड़े। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा लकी घास टूट गया। अब मैं लकी नहीं रहा। हमें जीत नहीं है कैसे भी करके। चलो चले। ललू, ललू, क्या मैं किक कर सकता हूँ? तुम? प्लीज, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कोई रास्ता नहीं है, ये खेल का आखिरी राउंड है। अगर तुम चूके तो हम हार जाएंगे। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। क्या तुम दोनों शुरू भी करोगे? मुझे पता है हम जीत सकते हैं, मुझे कोशिश करने दो। ठीक है, ठीक है। बड़े तुम कर सकते हो। लकी लकी प्लीज वापस आ जाओ। लकी लकी मुझे शॉट मारने में मदद करो। तुम कर सकते हो। मैंने कर दिया। ये। क्या हम हार गए? बच्चे, क्योंकि मेरा चार पत्ती वाला घास यह मेरे लिए कल पूरे दिन लग लाया, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा। अरे, उस चार पत्ती वाले घास ने तुम्हें लकी नहीं बनाया, वो हम थे जिन्होंने तुम्हें जीतने दिया। ललू, ये सही है, हम तुम्हारी मदद कर रहे थे, पर फिक्र मत करो, तुम अपने दम पर भी जी सकते हो। बड़े वो क्लोवर गुडलक सिर्फ मार्गदर्शन करता है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। वो खुद से हमारे लिए गुडलक नहीं लाता। मतलब मैं लकी नहीं हूँ? अरे तुम सच में भाग्यशाली हो। अपने आसपास देखो, तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं, सबके बुरे दिन आते हैं। भाग्यशाली होने का मतलब है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। अच्छे दोस्त मतलब भाग्यशाली। अरे मेरे बारे में मत भूलना। बिल्कुल नहीं। बड़े क्या तुम फिर से खेलना चाहोगे? और मैं भी रिंकी के साथ तुम्हें खुश करूंगी। ये! आज बब्लू डब्लू पार्क में पेरेंट्स डे है। सभी एक दूसरे के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। मेरी तस्वीर में मम्मी एक कहानी पढ़ रही है।
बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा है। मेरे में मम्मी सफाई कर रही है क्योंकि उनको सफाई करना पसंद है। मिस बनर्जी, क्या आपको ये अच्छा लगा? बेशक। और मेरा क्या? बहुत अच्छे। अब अपनी मम्मी से पूछो क्या उन्हें भी ये पसंद आए। मुझे बहुत प्यारी लगी, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत बढ़िया, अब बबली का नंबर है, दिखाओ बबली। चलो शुरू करो बच्ची। ये मेरी माँ की जन्मदिन की तस्वीर है जब हम पार्क में गए थे। इसमें जो टोपी है वो उनका गिफ्ट है। वाव, ये बहुत ही सुंदर है। ये मेरी मम्मी है और वो मेरे डैडी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी है। मिस्टर शर्मा, आपको कैसी लगी? मुझे बहुत गर्व है, जब हम घर वापस जाएंगे तो तुम्हारी माँ को ये दिखाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है बच्ची? शुक्रिया डैडी। वाओ, बहुत अच्छा, मुझे लगता है मेरे डैड भी मुझ पर गर्व करेंगे। मुन्ना रेडी, अब तुम्हारी बारी है। आ जाइए डैड। बच्चों, मुन्ना और उसके पिताजी के लिए तालियां। बगीचे में मेरे डैड के साथ तस्वीर, हम बगीचे में एक साथ काम करते हैं। मुन्ना ड्राइंग में बहुत अच्छा है। मुझे खुशी होती है जब मैं फूलों को बढ़ते हुए देखता हूँ। सचमुच ये बहुत अच्छा कलाकार हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो। मुझे लगता है ये अच्छी तस्वीर है, मुझे पसंद है ये। मुन्ना, कल क्लास नहीं है तो मेरे साथ खेलोगे? पर पहले हम दोपहर का खाना खाएंगे, बाद में मिलते हैं। चलो बाद में मिलते हैं। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। सुनो, मुझे मिस्टर बंता के घर पे कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। डैडी, क्या आपको मेरी वो तस्वीर पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं बच्चे। ओ, तुम यहाँ हो। हाय मिसेज मेहता। मम्मी ने कहा तुम हमारे साथ खाना खा सकते हो, हमारे घर में बहुत सारे स्वादिष्ट फल है और शहद भी है। लंच के बाद बच्चे कागज से कुछ बना रहे हैं। देखो, इसे ऐसे खोलो तो ये ऐसा दिखता है। क्या वो इन सब चीजों में अच्छी नहीं है? ये बहुत बढ़िया है। मैं भी एक बनाना चाहता हूँ। मैं भी। ठीक है, ये मजेदार होगा। तो फिर तुम भी। शुक्रिया। कैंची बहुत तेज है तो ध्यान से करना। ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा है। बड़े, तुम क्या बना रहे हो? मम्मी देखो, ये शहद के बूंद की तरह दिख रहा है। नहीं, ये इतना भी अच्छा नहीं है। ऐसा मत कहो, ये तुम्हारी कल्पना है। शुक्रिया। बड़े कितना लकी है, काश मेरे डैड भी मुझे ऐसे ही प्यार करते। हाँ, मुझे लगता है कैंची तुम्हारे लिए बड़ी है। मैं तुम्हारे लिए छोटी कैंची ढूंढती हूँ मुन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे बनाना मुश्किल होगा। डैड घर पर है? डैडी। खुशी हुई कि तुम घर आए। दोस्तों के साथ तुम्हें मजा आया कि नहीं मेरे बच्चों? हाँ, बहुत अच्छा रहा। मेरे हाथ में चोट लग गई। क्या हो गया तुम्हें? मैं बड़े और छोटे के साथ क्राफ्ट बना रहा था, लेकिन वो कैंची बहुत बड़ी थी, इसलिए मुझे चोट लग गई। छाले पड़ गए, तुम्हारी उम्र में ऐसा हो जाता है। बस थोड़ा समय दो, ये ठीक हो जाएगा। पर मुझे दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा बच्चे, जाओ खेलने जाओ। मुझे कुछ काम है, ठीक है? मुझे मुन्ना के लिए कैंची बनानी चाहिए। ओह, तो सो गया। समझ गया। हेलो, ओ बबली, हाँ तुम आ सकती हो।
ठीक है, बाय। मुन्ना, छोटे और बबली यहाँ खेलने आ रहे हैं। सच में? क्या आप भी हमारे साथ खेलेंगे? मुझे अच्छा लगता, लेकिन मुझे कुछ काम है। तुम्हारे दोस्त यहाँ खेल सकते हैं। मैंने नाश्ता रख दिया है। डैडी। सही समझे, मैंने कुछ बनाया है। ये ज्यादा नहीं है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। रुकिए। जाता है, मैं इससे ऊपर रखी चीज उठा सकता हूँ। कितना अच्छा है। देखो ये तो छोटा सा घर है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मन्ना, इस घर के ऊपर ये क्या है? मैं दिखाता हूँ ये क्या है। इसे बाहर निकालो। वाह। और इसे घुमाओ और ये हो गया। वाह, ये तो पेंसिल का शार्पनर है, बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरे डैड ने मेरे लिए बनाया था, ये बहुत ही बढ़िया है। इसे मैंने पहली बार देखा है। ये तो एक अजीब आईना है, तुम इसमें अपना पूरा चेहरा भी नहीं देख पाओगे। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो? ये चांद का आईना है, मेरे डैड ने बनाया। चांद का आईना? हाँ, मैं हर रात इसे अपने बिस्तर से लगाता हूँ। जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसका रिफ्लेक्शन मेरे रूम में आता है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। वाह! मुन्ना, देखा, तुम्हारे डैडी तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो भी दूसरे मॉम डैड की तरह मुझसे प्यार करे और हमेशा साथ रहे। हाँ? सुनो, कभी कभी ये देखना कठिन होता है कि हमारे माता पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। इसमें क्या है? मैंने इसे खोला नहीं अब तक, शायद डैड ने मेरे लिए यहाँ रखा है। इतनी सारी कैंचियाँ। वाह, इसमें तो पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स? देखो, इसमें तो बहुत सारे पैटर्न्स बने हैं। ये तो बहुत ही छोटी है, पर ये इस्तेमाल करने में बहुत ही अच्छी है। हाँ, ये सच में बहुत नरम है और बहुत ही अच्छा। मुझे भी ऐसा ही चाहिए। ये बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए मुन्ना। तुम्हारे पापा सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। ये बहुत अच्छा है और अब इससे मेरे हाथ नहीं कटेंगे। बबलू डब्लू पार्क में एक और दिन। मैंने खासकर मेरे डैड के लिए ये बनाया है। और ये एक वाटर पॉट है और ये हिस्सा लंबा भी हो सकता है। बस आपको यहाँ ऐसे ये बटन दबाना है। वाह! इससे उन्हें बगीचों में पानी डालने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ। डैडी, ये आपके लिए। ये सचमुच कमाल का है, तुमने अपने पिता के लिए एक शानदार उपहार बनाया।